बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि देहरादून से है। बॉबी कटारिया ने कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन दे दी है। पुलिस बॉबी कटारिया को अरेस्ट करने के लिए हरियाणा गई थी और बॉबी कटारिया फिलहाल फरार चल रहा है। बॉबी कटारिया फिलहाल फरार है लेकिन उसने एप्लीकेशन सरेंडर के लिए कोर्ट में दी है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन लगा दी है। शराब पीते बॉबी कटारिया का वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो आप देख रहे हैं, और इसी मामले में लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी और बॉबी कटारिया ने एप्लीकेशन दे दी है। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या जानकारी इस खबर पर? ये देखिए, क्योंकि लगातार बॉबी कटारिया की ढूंढ खोज में पुलिस लगी हुई है और तमाम जो टीमें हैं पुलिस की, वो चाहे गुड़गांव हो, हरियाणा हो, तमाम जगहों पर गई भी है, लेकिन बॉबी कटारिया फिलहाल अंडरग्राउंड है, वो पुलिस को नहीं मिला है। और इसी बीच खबर ये है कि बॉबी कटारिया ने अब जो है सरेंडर एप्लीकेशन जो है कोर्ट में दी है, यानी कि वो भी चाहते हैं कि जो पुलिस की दबिश से पहले ही, पुलिस की गिरफ्तारी से पहले वो सरेंडर कर दे। लेकिन अभी पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि सरेंडर से पहले ही बॉबी कटारिया को गिरफ्तार किया जाए। पूरा मामला जो है, जब वो देहरादून में थे तो उसके बाद यूट्यूबर बॉबी कटारिया शराब पीते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद जो है ये पूरा मामला गर्मा गया था। पुलिस ने ही अपनी ओर से FIR दर्ज की थी क्योंकि खुलेआम शराब पीने की जो तमाम धाराएं हैं, जो पब्लिक को रोका गया था, जो शराब पी गई थी उसको लेकर ये कैंट थाने में मुकदमा दर्ज है। और ऐसे में लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो दबिश दे रही है, लेकिन फिलहाल बॉबी कटारिया का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन इसी भी जिस तरीके से सरेंडर एप्लीकेशन बॉबी कटारिया ने डाली है, तो ये माना जा रहा है कि बॉबी कटारिया चाहता है कि उससे पहले ही वो कोर्ट में सरेंडर कर दे, लेकिन पुलिस की ये कोशिश रहेगी कि बॉबी कटारिया को गिरफ्तार किया जा सके। जी जी, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।